अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस होता क्या है? ट्यूबरक्लोसिस को हम टीबी भी बोलते हैं। टीबी होती है कि ये लंग्स की एक डिजीज होती है। इसके इसमें लंग्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। इसमें यह होता है कि टीबी जो होती है कम्युनिकेबल और क्रॉनिक डिजीज होती है। ये जाकर यूजली इन्वॉल्व करती है लंग्स को इन्वॉल्व करती है, लेकिन अगर ये कम्प्लिकेशन कम्प्लिकेट हो जाए तो ये आगे बॉडी के बाकी ऑर्गन्स को भी डैमेज करती है। तो इसकी काजिज में हमारे पास तीन तरह के आ जाते हैं। माइकोबैक्टीरियम आ जाते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, माइकोबैक्टीरियम बोविस एंड एटिपिकल आर अपॉर्चुनिस्टिक आते हैं। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होती है मोस्ट कॉमन टीबी की जो काज है ना, ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है माइकोबैक्टीरियम बोविस। माइकोबैक्टीरियम बोविस जो होती है ये एंडेमिक होती है कैटल में, बट अब जो है ना वो रेयर हो गया, बहुत रेयर हो गया। उसके अलावा हमारे पास होती है एटिपिकल और अपॉर्चुनिस्टिक। अपॉर्चुनिस्टिक वो होते हैं कि जो देखते हैं कि अगर पेशेंट है, पेशेंट कोई आम बंदा है, नॉर्मल बंदा है, तो उसका इम्यून सिस्टम है वो हेल्थी है, हेल्थ मतलब वो उसका ठीक है इम्यून सिस्टम, तो उस पर ये अटैक नहीं करते। ये चुपचाप उस वक्त बैठ रहते हैं जब जब बंदे का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, वीक होता है बहुत ज़्यादा, तब जाकर ये अटैक करते हैं और डिजीज़ कॉज करते हैं। जब पेशेंट एड्स का पेशेंट हो या एचआईवी का पेशेंट हो, तब जाकर ये उस पर अटैक करते हैं और ट्यूबरक्लोसिस कॉज करते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि स्प्रेड कैसे होता है। स्प्रेड होने के इसके दो तरीके हैं। एक तो डायरेक्ट ड्रॉपलेट स्प्रेड होता है कि माउथ टू माउथ स्प्रेड हो गया है। कोई पेशेंट है आपके पास, टीबी का पेशेंट है, आपसे बात कर रहे हैं तो वो होगा कि वो बात कर रहा है तो उसके मुंह से ड्रॉपलेट जो है वो स्प्रेड होंगे, मतलब एक्सहेल होंगे। तो वो ड्रॉपलेट जो अगर आप में आपके अंदर इंटर हो गए तो उसकी वजह से आपको भी टीबी हो सकती है। उसके अलावा हमारे पास होता है विया इंजेस्टेड मिल्क। हमने बात की थी कि काजिज में हमारे पास होता है माइकोबैक्टीरियम बोविस होता है जो कि कैटल में होता है, और अगर कैटल में है तो आप मिल्क उनसे ले रहे हैं, मिल्क ले रहे हैं, तो उसमें भी माइकोबैक्टीरियम बोविस हो सकता है जिसकी वजह से आपको टीबी हो सकती है। उसके अलावा हम इसके साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं कि साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे साइन एंड सिम्टम्स इसमें आते हैं कफ होती है, मतलब लास्ट थ्री वीक और थ्री से ज़्यादा वीक हो गए, तीन या तीन से ज़्यादा वीक पीछे हो गए, उससे कफ चली आ रही है, तो आपको ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। उसके बाद ब्लड होता है, कफ करते हैं तो उसमें ब्लड आता है या स्पूटम आते हैं। उसके बाद नाइट स्वेटिंग, रात को जब सोते हैं तब आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद फटीग होती है, चिल्स होते हैं और लॉस ऑफ एपिटाइट होता है और चेस्ट पेन होता है। अगर आप ब्रीथिंग ले रहे हैं या कफिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा होगा। उसके अलावा आपको फीवर है, और सबसे मेन चीज़ है कि वेट लॉस होता है इसमें, टीबी में बंदे का वेट लॉस हो जाता है। तो नेक्स्ट आती है इसकी इन्वेस्टिगेशन। हमारे पास इन्वेस्टिगेशन इसकी क्या आती है? तो इन्वेस्टिगेशन में हम फर्स्ट ऑफ ऑल चेस्ट एक्सरे करते हैं कि चेस्ट एक्सरे में हमें देखेंगे ट्यूबरक्लोसिस को। उसके बाद स्पोटम माइक्रोस्कोपी करते हैं, देन ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट होता है, ये टेस्ट करते हैं। इसके बाद प्लूरल बायोप्सी करते हैं, प्लूरल से जो होता है एक छोटा सा पीस लेकर, टिश्यू लेकर उससे टेस्ट करते हैं। देन हम पीसीआर करते हैं फॉर माइकोबैक्टीरियम के लिए, कि पीसीआर में देखते हैं कि माइकोबैक्टीरियम कौन सा माइकोबैक्टीरियम है ये। तो नेक्स्ट होता है हमारे पास ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं। एंटीबायोटिक जो हमारे पास मोस्ट कॉमन एंटीबायोटिक होते हैं वो एसिनोनाजिड हो गया, उसके बाद रिफम्पिन हो गया, और पैराजिनामाइड हो गया, एथिमबुटोल हो गया, और स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया। और ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ना, ये 3 to 6 months के लिए होते हैं, कि ये जो होती है इनकी टाइम ड्यूरेशन होता है कि इसमें ये टीबी जो होता है उसको क्योर कर सकते हैं। लेकिन होता है कि अगर इसको स्टॉप कर दें तो ये आगे कॉम्प्लिकेशन इसकी होना शुरू हो जाएंगी, जो होता है टीबी होता है ये आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये ट्रीटमेंट जो है इनको रेगुलरली स्टार्ट रखना पड़ता है, इनको छोड़ना नहीं पड़ता। अगर छोड़ दिया तो टीबी जो होता है वो कॉम्प्लिकेट होना शुरू हो जाएगा। तो ये था हमारा ट्यूबरक्लोसिस। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।